डायपोल जानते हो क्या सब लोग क्या होता है? हाँ, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन नेचर क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता रहे हैं। टारगेट क्या है अपना? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उससे कितना डिस्टेंस पे बताना है पोटेंशियल? आर डिस्टेंस पे। अच्छा, इसमें जो आर डिस्टेंस होगी, ये डायपोल के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसा अपन कंसिडर करेंगे। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो 2a मानी जाती है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। जितनी भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, हमेशा डायपोल के सेंटर से मेजर की जाएगी। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कहाँ से मेजर करोगे? डायपोल के सेंटर से। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसको हम एक रेफरेंस डायरेक्शन की तरह लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे भी डायपोल रखा हुआ होगा, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए। वैक्टर क्वांटिटी है ये, याद रखना है। टू ए के ऊपर वैक्टर सिंबल लगाए। तो जो टू ए डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गई। जितने भी डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से मेजर करनी है, ये पॉइंट मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये डायपोल के सेंटर से सपोज करो आर डिस्टेंस के ऊपर है। कितना डिस्टेंस पे है ये? आर डिस्टेंस पे। तो अगर मैं डायपोल के सेंटर ओ से इसकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताने वाले वेक्टर को क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो ये ओरिजिन मान लिया हमने सपोज, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है, ये कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में है, तो ये बताने के लिए हम इसकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और इस वेक्टर का नाम क्या रखा जाता है? पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और जो पोजीशन वेक्टर आर है, उनके बीच में एक एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये केस हमको दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें पता है हमको? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है, और पॉइंट की डिस्टेंस पता है कि कितना डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब तरीका क्या होगा? तो अभी हमने क्या सीखा कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो अभी आपको बताया था, कि जब बहुत सारे चार्ज आपको दे रखे हों और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, सिंपल एडिशन करना है। इसको क्या बोला जाता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कितने चार्ज आपको दिखाई दे रहे? दो चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करो, फिर उसका एडिशन कर लो। और कौन सा एडिशन करना है? करना है सिंपल एडिशन करना है। तो सिर्फ आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कौन से डिस्टेंस? दोनों चार्जेस की पॉइंट से डिस्टेंस। तो मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है इधर, ये है आर वन, ये वाली डिस्टेंस आर वन है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इस पॉइंट, ये कुछ ए मान लेते पॉइंट, इस पॉइंट ए से डिस्टेंस है आर टू, ऐसा मान लिया हमने। अब आर वन आर टू हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, क्योंकि आर और थीटा तो पता है हमको कितने एंगल पे पॉइंट है, लेकिन ये आर वन आर टू नहीं पता, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री में एक केस ये होता है कि अगर दो लाइनों के बीच में एंगल बहुत छोटा है, दो लाइनें हैं, एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, और उनके बीच में एंगल क्या है? छोटा, ये है स्मॉल एंगल। ठीक है, स्मॉल एंगल अगर ऐसा है, वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा सा एंगल होना चाहिए। तो अगर इन दोनों लाइनों का डिफरेंस हमको पता करना है कि इसमें दोनों लाइनों में से एक छोटी लाइन है एक बड़ी लाइन है, तो इनका डिफरेंस कितना है? तो उसके लिए छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जहाँ भी इंटरसेप्ट करेगा, उसके इधर वाली जो दोनों डिस्टेंस होंगी वो ऑलमोस्ट बराबर होंगी। दिख रहा है क्या डाइग्राम में? अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएंगे ना दोनों, ये क्या होंगी? ऑलमोस्ट बराबर होंगी। और ये जो बचेगा ना, ये वाले डिस्टेंस, ये इन दोनों लाइनों के लेंथ के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट? जब एंगल क्या हो? स्मॉल। अगर एंगल बड़ा है, अब डालो इस छोटे लाइन से बड़े लाइन पर परपेंडिकुलर, ये ऐसा आएगा, तो क्या ये दोनों लाइन, ये और ये लेंथ बराबर है क्या? नहीं। ये कब अप्लाई करना है? जब एंगल छोटा हो।
अब यहाँ पे एंगल छोटा है या नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल छोटा है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे? तो हमने क्या बोला कि आर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये 2a डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो एक्चुअल में डायग्राम ये है, डायपोल ये है और ये है आर डिस्टेंस। और अब खुद बताओ कि ये जो एक तरह से ये जो डिस्टेंस है ये है 2a, मतलब प्रैक्टिकली डायग्राम ये बनना चाहिए था। मैंने थोड़ा क्लियर बना इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाया इन डिस्टेंसेस को, बाकी एक्चुअल में डायग्राम ये है, ये 2a काफ़ी कम है, r काफ़ी ज़्यादा है। तो बताओ क्या ये एंगल्स, ये दोनों एंगल जो यहाँ पे बन रहे होंगे, ये बहुत छोटे होंगे या बहुत बड़े होंगे? बहुत छोटे होंगे ना, बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ये बहुत छोटे हैं तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्या करना है देखो, क्या करना है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये छोटी है, इसकी कंपेरिजन में ये लाइन बड़ी है और ये एंगल क्या है, वेरी स्मॉल। तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर से इधर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, समझ में आया? तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस कहाँ से, ये m मान लो, तो m से लेके a तक और ये r2 डिस्टेंस, ये लगभग क्या होंगी, बराबर। तो r तो मुझे पता ही है, ये तो r गिवन है मुझे। अगर मैं ये डिस्टेंस m o कैलकुलेट कर लूँ और उसको r में से माइनस कर दूँ तो मुझे r2 मिल जाएगा क्या? ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ और r में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूँ क्या बचेगा, m a बचेगा, जो किसके बराबर होगा, लगभग r2 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये a हुई ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। बेस मुझे कैलकुलेट करना है और हाइपोटेनियस मुझे पता है, बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन है, कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस यानी एम ओ अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए। तो बताओ एम ओ क्या आया, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ईमानदारी से बताओ। अब आपको ये पता चल गया कि जो एम ओ है वो कितना है, तो क्या करो, R में से एम ओ को माइनस कर दो तो एम ए डिस्टेंस आ जाएगी जो कि ऑलमोस्ट R2 के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे इसको, अरे बोलो, R2 इक्वल्स टू क्या लिखूं, R माइनस R, ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, कितना है ये, A cos थीटा। समझ में आया, R2 किसके बराबर है, लगभग R माइनस A cos थीटा के बराबर है। अब इसी तरीके से आपको R1 भी कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे, तो याद तो देखो, इस बार ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वैसे कैलकुलेट कर लो। थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, ऐसे समझने के लिए। अब ये एंगल थीटा है तो इधर ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना, ये एंगल भी कितना है, थीटा है। और इस वाली लाइन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट मिला एन, ये थीटा है, ये वाली डिस्टेंस अगेन कितनी है, ए। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसको मैं r में ऐड कर दूंगा तो ये मुझे r1 के बराबर मिलेगा, ये r1 है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और फिर इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक r है ना, इसको r माना, तो ये कैलकुलेट कर लो और उसको r में ऐड कर दो तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, एंगल ये दोनों बराबर होंगे, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, वापस से वही फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए। तो ओ एन क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, और अगर ओ एन अपने पास आ गया तो ओ एन को आर में ऐड कर दो, वो लगभग आर वन के बराबर होगा, यानी कि आर वन किसके बराबर आएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। आया कि नहीं आया, एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर दो लाइनों के बीच में एंगल छोटा है तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी उसके इधर वाले जो डिस्टेंस होगी ना एंगल की तरफ, वो हमेशा लगभग बराबर आएंगी। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस पता चल गई, तो चार्ज से अगर डिस्टेंस पता है तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, तो ये होगा माइनस K
क्यू अपॉन आर वन। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? ये होगा वी टू इक्वल्स टू प्लस के क्यू अपॉन क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू लेना है, के क्यू अपॉन आर टू। आया समझ में? इसका पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाई आर वन, इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर टू। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? नेट पोटेंशियल वी वन प्लस वी टू, वी वन वी टू की वैल्यू पुट करो, तो वी वन वी टू कितने हैं? ये माइनस में, ये प्लस में, के क्यू कॉमन ले लो दोनों में से। के क्यू क्या लिया? कॉमन। अब ये वन अपॉन आर टू बचेगा, इसको पहले लिख रहा हूँ, और ये माइनस में आएगा वन अपॉन आर वन। सही लिख रहे हैं ना अपन? ठीक है, अब आर वन और आर टू की वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर है। के क्यू इंटू वन अपॉन आर टू कितना है? आर टू हमने ये रहा, आर टू है आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस करना है? वन अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। वी इक्वल्स टू के क्यू इंटू, अब ये देखो एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा, जिसको क्या लिख सकते हो आप? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई क्या बात? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा, एलसीएम ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस करके आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, अब क्या करना है? देखो सॉल्व करना है, तो ये आर और आर दोनों क्या हो गए? कैंसिल। ये ए कॉस थीटा और ये माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, मतलब ये टू ए कॉस थीटा बन गया। तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो? इधर लिख रहा हूँ, देखो वी इक्वल्स टू के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्यू इंटू टू ए क्या होता है वो देखो? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी। क्यू इंटू टू ए को क्या लिख सकते हो? पी। तो वी इक्वल्स टू क्या लिखा गया? के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखूँ? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो ए है वो बहुत छोटा है आर की कंपेरिजन में, तो ये जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है ये बहुत छोटी होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वन। तो इसको अगर आप मैक्सिमम भी लोगे ना, वन ले लिया जैसे इसको, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, लेकिन ए स्क्वायर तो बहुत छोटा है इसलिए ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इसको अपन हटा सकते हैं, तो अपन में क्या बचेगा? सिर्फ आर स्क्वायर। यानी कि जो फाइनल आंसर अपने पास आएगा, यानी कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे मिलेगा, वो ऑलमोस्ट कितना होगा? ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए एग्जैक्टली तो इतना आएगा है ना, लेकिन इसको नेगलेक्ट कर दोगे इस वाले टर्म को, तो आंसर क्या बना? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आया समझ में? और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है फॉर्मूले को, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो वी इक्वल्स टू के पी, और ये देखो कॉस थीटा कब आता है? डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे के पी वेक्टर डॉट आर के, आर के पे एक यूनिट वेक्टर है। अब जब इसको आप ओपन करोगे ना फॉर्मूले को, तो ये क्या बनेगा? के इंटू पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये बन जाएगा पी इंटू वन इंटू कॉस थीटा, यानी ये बन गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप किसी भी एंगल पे किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल बता सकते हो। जैसे आपको पूछा कि इस डायपोल की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो एक्सिस के ऊपर मतलब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा। मान लो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, इधर है, तो उस पॉइंट का जो पोजिशन वैक्टर आप ड्रॉ करोगे और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो सेम आएगी। अगर आप इसी लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है ना डायपोल एक्सिस, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोगे, इधर पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट की तरफ जब आप सेंटर से पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करोगे, तो आर के डायरेक्शन और पी के डायरेक्शन सेम होगी। तो थीटा कितना हुआ? जीरो। थीटा जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा कॉस जीरो डिग्री वन, यानी वी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इधर वाली साइड में कोई पॉइंट है नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो पोजीशन वेक्टर आर इधर होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है। एंगल कितना है इनके बीच का? 180 डिग्री। तो उस केस में कॉस 180 क्या बनेगा? माइनस वन। तो आंसर आएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर।
अगर पॉइंट इक्वेटोरी लाइन पे है, इक्वेटोरी लाइन कौन सी होती है, डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो पोजिशन वैक्टर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। उस कंडीशन में कॉस 90 क्या होगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। आया समझ में? तो इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल होगा प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। प्लस कब होगा, जब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो, और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर कब होगा, जब पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ हो। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक?